नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। आपदा को अवसर में बदलने वालों की खैर नहीं, सीएम नीतीश ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। लॉकडाउन में अपने वाहन से कहीं जाने की मजबूरी हो तो कर ले ये उपाय, जाने कैसे बनाएं ई पास। बिहार में ऑटो ड्राइवर अब नहीं ले सकेंगे मनमाना किराया, 7 साल बाद राजभर के लिए तय किया गया नया भाड़ा। बिहार में डॉक्टर और हेल्थ कर्मियों से हिंसक व्यवहार करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, गृह विभाग ने जारी किया निर्देश। बिहार में मिले 14,816 नए कोरोना मरीज, पटना के अलावा 9 और जिलों में स्थिति बेहद खतरनाक। पटना में जरूरतमंदों को 15 मई तक मिलेगा फ्री में भोजन, पटना में बनाए गए 11 सामुदायिक रसोई केंद्र। आरजेडी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे लालू, जल्द होगा तारीखों का ऐलान। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर की कर रहा था कालाबाजारी, डीएसपी ने 4 लोगों को दबोचा। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी पानी के साथ ठनका गिरने का अलर्ट। बिहार में 18 से 45 की उम्र वालों को वैक्सीन के लिए करना होगा लंबा इंतजार, सरकार बोली अब तक वैक्सीन निर्माता ने ही नहीं दी है कोई जानकारी। बिहार में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लागू करने का फैसला लागू करने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने साफ किया है कि कोरोना संकट के इस समय में कालाबाजारी करने वाले धंधेबाजों और अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम नीतीश ने निर्देश दिया है कि राज्य में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में बेचने वाले धंधेबाजों पर नजर रखे और कड़ी कार्रवाई करे। मरीजों से मनमाना चार्ज वसूलने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पर भी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन कर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करे। इसके लिए रिफिलिंग प्लांट, बॉटलिंग प्लांट, टैंकर समेत अन्य की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। इसके लिए सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। सरकारी मेडिकल अस्पतालों में बेडों की संख्या को अधिक बढ़ाने और किसी भी बेड ऑक्सीजन और दवा की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए निर्देश दिए हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन और सरकारी कार्यालय से जुड़े वाहन ही चलेंगे, बाकी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान बेहद जरूरी काम से अगर आपको अपने निजी वाहन से कहीं जाना है तो आप ई पास लेकर ही जा सकेंगे। तो सवाल ये है कि ई पास कैसे बनेगा, तो बता दें कि अपने निजी वाहन के लिए ई पास जारी करवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अपने निजी वाहन के लिए ई पास प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार के इस वेबसाइट पर आपको आवश्यक काम की पूरी जानकारी और कितने लोग जा रहे हैं इसकी पूरी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी भी देनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा आपके पास पत्र को स्वीकृत दिए जाने के बाद आपके निजी वाहन के लिए ई पास जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी सूचना आपको रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर लिंक के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद आप जारी ई पास का प्रिंट लेकर अपने निजी वाहन से आवश्यक काम के लिए जा सकेंगे। ध्यान रखें कि ई पास के लिए आपको एक फोटो और काम से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। बिहार में राजभर के लिए ऑटो व विक्रम टेम्पो का नया किराया भाड़ा तय किया गया है। वर्ष 2013 के बाद परिवहन विभाग ने टेम्पो ऑटो रिक्शा के लिए किराया तय किया है। सरकार ने कम से कम 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया तय किया है। इसमें अधिक सफर करने पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त पैसे देने होंगे। पेट्रोल से चलने वाले ऑटो रिक्शा में अगर मीटर लगे होंगे या रिजर्व बुक होगा तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 18 रुपये लोगों को देने होंगे। इससे अधिक दूरी तय करने पर 9 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे, जबकि शेयर्ड ऑटो में प्रथम 2 किलोमीटर के लिए 4.80 पैसे प्रति व्यक्ति तो इससे अधिक सफर करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। मीटर लगे डीजल ऑटो रिक्शा में 4 यात्रियों वाली गाड़ियों पहले 2 किलोमीटर का किराया 14.40 रुपये रिजर्व बुक करने पर देने होंगे, जबकि इससे अधिक सफर करने पर 7.20 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। वहीं सीएनजी ऑटो के लिए पहले 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, सीएनजी चलने वाले मीटर लगे ऑटो या रिजर्व बुक करने पर पहले 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो अधिक दूरी के लिए 7.50 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। शेयर्ड ऑटो का किराया पहले 2 किलोमीटर का 4 रुपये प्रति किलोमीटर तो अधिक दूरी का किराया 2.50 रुपये किलोमीटर तय किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आदेश में ऑटो चालकों के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है।
गृह विभाग की विशेष शाखा ने सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखा है कि राज्य में कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर का व्यापक प्रभाव है। जनमानस में व्याप्त भय को देखते हुए राज्य के सरकारी और निजी चिकित्सा तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन पर अनुचित दबाव डालने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की घटनाएं सामने आ सकती है। ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। डॉक्टर व अस्पताल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। पत्र में कहा गया है कि डीएम और एसएसपी अपने जिले में कोविड 19 के इलाज के लिए चिन्हित अस्पताल सीसीसी एवं अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठान में आवश्यकता के अनुरूप पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करे। साथ ही जहां ऐसे अस्पताल या कोविड सेंटर है वहां पेट्रोलिंग की समुचित व्यवस्था हो और गश्ती की संख्या बढ़ा दी जाए। जिला प्रशासन कोविड 19 के इलाज में शामिल चिकित्सक अस्पताल व अन्य संस्थाओं की विधि व्यवस्था व कोविड राहत कार्य से संबंध महत्वपूर्ण पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाए ताकि मरीज के परिजन या अन्य व्यक्ति इलाज में बाधा नहीं पहुंचा सके। हिंसक व्यवहार तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे ताकि उनको मदद मिल सके। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। सूबे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 14,816 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। बुधवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सूबे में 14,816 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,420 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना के अलावा बिहार के 9 और जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहां भी प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। गौरतलब हो कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने 10 दिनों का पूर्णतः लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। सरकार ने अधिकारियों को लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से लोग परेशान हैं। कोरोना से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे इसे लेकर सरकार ने सामुदायिक रसोई शुरू करने का फैसला लिया है। सामुदायिक रसोई के जरिए पटना में निर्धन मजदूर निःशक्त और जरूरतमंदों को 15 मई तक रोजाना सुबह और शाम में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन की ओर से 4 और नगर निगम की तरफ से 7 स्थानों पर कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। 15 मई तक सभी केंद्रों से समय पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सामुदायिक रसोई केंद्र पर शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। वहीं बिजली, पानी, हैंडवॉश, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिहार की राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से जमानत मिलने के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। लालू यादव अब जल्द ही आरजेडी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसे लेकर जल्द ही आरजेडी के तरफ से ऐलान किया जाएगा। ऐसे में लंबे समय से बिहार की राजनीति से गायब हुए लालू यादव अब पार्टी के विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। बिहार में बिगड़ते कोरोना के हालात पर लालू यादव चर्चा करेंगे। लालू के साथ इस वर्चुअल मीटिंग में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जो बिहार के विभिन्न इलाकों में कोरोना से जूझ रहे लोगों को मिल रही सुख सुविधाओं का जायजा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पटना के राजीव नगर रोड नंबर 23 में डीएसपी भास्कर रंजन ने छापेमारी की। इस दौरान 42 पीस ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कालाबाजारी के धंधे में लिप्त ये लोग 700 रुपए के रेगुलेटर को 8000 रुपए में बेचा करते थे। इस बात की सूचना मिलने के बाद डीएसपी भास्कर रंजन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगाने में जुटी हुई है। बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। पटना, जहानाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल समेत नवादा के कुछ भागों में अगले 2 घंटों में आंधी पानी मेघ गर्जन के साथ ठनका गिरने के भी आसार हैं। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने वर्तमान रेडार और अन्य परीक्षण के अनुसार यह अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक 1 से 2 घंटे के अंदर इस इलाके में मौसम में परिवर्तन देखा जा सकेगा। बिहार में 18 से 45 साल की उम्र वालों को वैक्सीन लेने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। खास बात ये भी है कि ये इंतजार कब खत्म होगा ये पता नहीं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ वैक्सीन के डोज का ऑर्डर दे दिया है। वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी है कि कब तक वैक्सीन भेजा जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार लगातार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संपर्क में है, हमें उन्हें वैक्सीन मिलने का इंतजार है। इस बीच बिहार सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारियां कर ली है, लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि उनका नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा होगा, लेकिन जब तक सीरम इंस्टीट्यूट ये नहीं बताएगा कि वह कब तक हमारा ऑर्डर भेजेगा, तब तक हम लोगों को ये नहीं बता सकते हैं कि उनका वैक्सीनेशन कब होगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।